आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक नए विषय हम सीखेंगे और आज का विषय है देबोरा। देबोरा कौन थी? परमेश्वर ने देबोरा को कैसे इस्तेमाल किया? देबोरा के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं? इन बातों पर आज हम ध्यान करेंगे। देबोरा के जीवन के बारे में सीखने से पहले हम इसराइल की परिस्थिति की ओर हम ध्यान देंगे। हम जानते हैं शाऊल इसराइल का पहला राजा था, लेकिन वो समय से पहले की समय था जब राजाओं के बदले न्यायाधीश होते थे, जजेस होते थे। तो अलग अलग जज थे जो इसराइल को चलाते थे और उनमें से एक जज थी देबोरा। तो देबोरा कौन थी? देबोरा एक जज थी या न्यायाधीश थी जो लोगों की लड़ाई को सुलझाती थी, लोगों को सही मार्ग बताती थी, परमेश्वर उनके बारे में क्या चाहता है करकर लोगों को समझाती थी। तो देबोरा एक न्यायाधीश थी और साथ में देबोरा एक नबिया थी, मतलब एक भविष्यवाणी करने वाली स्त्री, एक प्रोफेटेस थी। देबोरा के जीवन के बारे में हम न्यायियों की किताब उसका 4 अध्याय और 5वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। अब जरूर इस पद को पढ़िए, आपको देबोरा के जीवन के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। मैं संक्षिप्त में देबोरा के जीवन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। देबोरा एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी और इसराइल के लोग देबोरा के पास आते थे ताकि देबोरा उनके बीच में न्याय करे कि कौन सही है कौन गलत है। देबोरा उनको मदद करती थी ताकि वो लोग एक सही जीवन जिए और लोगों के बीच के प्रॉब्लम्स को वो सुलझाती थी। और साथ में हम ये जानते हैं कि देबोरा एक नबिया भी थी, तो प्रभु की वाणी देबोरा के पास आता था। एक दिन परमेश्वर देबोरा से कहता है कि तू बाराक को बुला ले और बाराक से कहना कि तुझे दुश्मन देश के खिलाफ जाना है, लड़ना है और परमेश्वर तुझे न्याय देगा। उस समय कनान के देश का राजा याबिन इनका शत्रु था, इसराइल का दुश्मन था और उनका सेनापति का नाम सीसरा था। अब ये झुंड के लोग इसराइल को काफी समय से परेशान कर रहे थे। 20 साल से याबिन जो कनान देश का राजा था इसराइलियों पर हमला कर रहे थे और उसका एक कारण भी था। वचन में लिखा है कि इसराइली लोग परमेश्वर के खिलाफ बुराई में फंसे हुए थे या बुराई के काम में लगे हुए थे, इसलिए वो लोग दुश्मन के हाथ में फंसे हुए थे। अब परमेश्वर का वचन देबोरा के पास आता है कि बाराक से कहना कि उनके खिलाफ जाकर तुम्हें लड़ना है और परमेश्वर तुम्हें जय देगा। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि बाराक देबोरा से कहता है कि मैं उस युद्ध में तब जाऊंगा जब तुम मेरे साथ चलोगी, नहीं तो मैं इस युद्ध में नहीं जाऊंगा। तब देबोरा बाराक से कहती है, निश्चय मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन क्योंकि तू इस प्रकार कह रहा है इसलिए परमेश्वर विजय एक बहन के द्वारा देगा। फिर हम पढ़ सकते हैं बाराक के साथ इसराइल के लोग और देबोरा सब साथ में युद्ध के लिए चले गए, कनान देश के राजा याबिन के खिलाफ युद्ध करने गए और परमेश्वर ने वहां पर उनको जय दिया। उनका सेनापति जो सीसरा था, जो इनका दुश्मन था, सीसरा का मौत एक बहन के हाथ में होता है, देबोरा के हाथ से नहीं होता है, दूसरा एक बहन के द्वारा होता है, लेकिन परमेश्वर उस दिन इसराइलियों को जय देता है। उसके बाद बाराक और देबोरा एक गीत लिखते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए वो गाते हैं। वो न्यायियों की किताब उसका 5वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। अब संक्षिप्त में मैंने देबोरा के जीवन के बारे में आपको समझाया है। अब हम देबोरा के जीवन से क्या सीख सकते हैं करकर हम लोग एक एक बात की ओर हम ध्यान देंगे। प्रियो, न्यायियों की किताब 4:1-3 तक जब हम पढ़ते हैं, हम इस प्रकार देख सकते हैं कि इसराइली लोग परमेश्वर के नज़र में बुरे काम कर रहे थे और इसलिए इसराइल के ऊपर दुश्मन देश का हमला हो रहा था। दुश्मन देश कौन था? कनान का राजा याबिन और उनका सेनापति सीसरा के द्वारा इनके ऊपर हमला हो रहा था।
अब प्रियो, ये समझने वाली बात है कि जब भी हमारा जीवन परमेश्वर के सामने सही नहीं है, हम अपने आप को परमेश्वर के बच्चे बुलाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के नजर में बुरे काम करेंगे या ऐसे पाप करते जाएंगे, तब परमेश्वर हमें जो है एक दुख और मुसीबत के समय से होकर लेकर जाएगा। वो क्यों लेकर जाएगा? वो इसलिए ताकि परमेश्वर एक अनुशासन हमारे जीवन में करना चाहता है, ताकि अपने लाइफ को हम सुधारें, हम अपने लाइफ को चेक करें, कहां पर हमारे जीवन में गलती हुई है, कहां पर हम पाप कर रहे हैं, कहां पर परमेश्वर के वचन के खिलाफ हम जा रहे हैं। इसलिए प्रियो, दुख और संकट हमारे लिए ऐसा समय होने पाए जहां पर हम अपने लाइफ को चेक करें। देखिए प्रियो, हर दुख और संकट परमेश्वर की ओर से एक मार नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर वो हम इस प्रकार समझ सकते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है, अय्यूब के जीवन में दुख संकट उसके लिए एक अनुशासन नहीं था, लेकिन उनके लिए एक इस प्रकार का परीक्षा था कि परमेश्वर उनको आशीष का एक अगला लेवल में ले जाना चाहता था। इसलिए हर दुख और परेशानी हम ये नहीं सोचना कि हमारे पाप के कारण है, लेकिन हमारे लिए अच्छा रहेगा कि अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, परिवार में तनाव है, टेंशन्स है, या कोई भी समस्या से आप अकेले होकर जा रहे हैं या परिवार होकर जा रहे हैं, आप समय निकालिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और प्रभु से पूछे, प्रभु हमारे जीवन में कहाँ गलती हुई, कहाँ हमें सुधारना है, कहाँ पर हमें वचन के अनुसार चलना है, प्रभु आप हमें बताइए। कर आप प्रार्थना करोगे तो जरूर परमेश्वर आपके मन में कार्य करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर बातों को स्पष्ट करके देगा। दूसरी बात हम ये देख सकते हैं, उस समय पर परमेश्वर ने देबोरा को उठाया। देबोरा एक न्यायाधीश के रूप में आई। अब देबोरा के बारे में उसका 4-5 आयत में इस प्रकार लिखा है कि देबोरा एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर न्याय करती थी। इज़राइल के लोग देबोरा के पास आते थे और वो न्याय करती थी। यहाँ पर इस प्रकार हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि देबोरा इज़राइल का लीडर है, लेकिन कहाँ बैठी है? एक पेड़ के नीचे। यहाँ पर कहीं भी इस प्रकार लिखा नहीं है कि देबोरा का एक महल था, देबोरा का सेवा करने के लिए लाइन में लोग खड़े थे, लेकिन इस प्रकार लिखा है कि देबोरा पेड़ के नीचे बैठकर लोगों की सेवा कर रही थी। जब लोग पास आते थे, उनकी लड़ाई को सुलझाती थी, उनको सही मार्ग को बताती थी। प्रियो, देबोरा के जीवन में एक नम्र स्वभाव या दीनता यहाँ पर दिखाई देता है। कहीं पर भी उसने अपने आप को एक पोजीशन या एक अच्छा स्थान को नहीं मांगा, लेकिन जो ड्यूटी या जो काम परमेश्वर ने देबोरा को दिया है, उसको विश्वास योग्यता के साथ वो करती है। उसको नाम नहीं चाहिए, पदवी नहीं चाहिए, स्थान नहीं चाहिए, उसको इज्जत वो कमाना नहीं चाहती है, वो एकदम दीन होकर प्रभु के सामने अपने काम को वो कर रही हैं। प्रियो, दीनता एक मसीही इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पहले पत्रस में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, ताकि उचित समय पर वो तुम्हें उठाएगा। परमेश्वर दीन लोगों को चाहता है, लेकिन घमंडी लोगों को परमेश्वर उनको गिराता है, परमेश्वर उनका सामना करता है, प्रभु उनका विरोध करता है। तो हम लोग प्रभु के बच्चे होने के नाते एक बात को हम लोग याद करेंगे, कभी भी अपने नाम को ऊंचा करने के लिए या एक स्थान, मान, पदवी, इन बातों के पीछे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जहां कहीं परमेश्वर ने हमें रखा है, परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन को हम लोग जिएंगे और उचित समय पर परमेश्वर हमें आदर देगा। तीसरी बात, हम ऑलरेडी ये बात को जानते हैं कि देबोरा एक जज है, न्यायाधीश है। अगर हम उनके स्वभाव को देखेंगे, कौन एक इंसान को जज के रूप में एक्सेप्ट करेगा? मैं समझती हूँ कि उस इंसान को पक्षपात बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ उसे आगे बढ़ना है, तब लोग उन्हें एक न्यायाधीश के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। तब हम इस बात को इस प्रकार कह सकते हैं कि देबोरा के जीवन में सच्चाई और ईमानदारी थी, एक अच्छा चरित्र था। देखिए उसके 4 में, 4:4 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि देबोरा लपिदोत की पत्नी थी। तो देखिए, जब हम देबोरा के चरित्र के बारे में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि उसने ईमानदारी के साथ चला, सच्चाई में चला, उसके जीवन में कोई भी झूठ नहीं होगा। प्रियो, हमारे लिए एक अच्छा मिसाल है फॉलो करने के लिए। यीशु मसीह कहता है कि आपका हाँ हाँ होना चाहिए और आपका ना ना होना चाहिए। अगर कोई हाँ वाली बातों को हम ना में कहते हैं, तब हमारे जीवन में झूठ है।
भजन संगीता 51 में इस प्रकार लिखा है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू हृदय की सच्चाई को चाहता है। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में सच रहे। प्रभु झूठ का साथ कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, देबोरा के जीवन से हम ये सीखने पाए। दूसरी बात, अगर लोग देबोरा को एक न्यायाधीश के रूप में उसको एक्सेप्ट किया, तो उसका एक अच्छा चरित्र होगा। वो एक अच्छी पत्नी होगी। कैसी पत्नी? वो पत्नी जो अपने पति के अधीन है, पति का इज्जत करती है, पति का देखभाल, अपना परिवार का ख्याल रखती है, उसके जीवन में कोई खोट नहीं होगा। ऐसे इंसान को लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, आप हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर देबोरा अपने घर में लड़ाई झगड़े में उलझी हैं, एक दूसरे के साथ, उनके परिवार के लोगों के साथ नाराजगी में, छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाना, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े, चीखना चिल्लाना, या एक दूसरे की बातों को आदर नहीं करना, इस प्रकार का एक स्वभाव अगर देबोरा के अंदर होता, तो क्या लोग देबोरा को एक न्यायाधीश के रूप में सिलेक्ट करते? हाँ, हम ये जानते हैं परमेश्वर ने देबोरा को रखा, लेकिन वो इसीलिए रखा क्योंकि उसका एक अच्छा चरित्र था। मैं खास करके बहनों से इस बात को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपको अगर एक पत्नी करके रखा है, एक बेटी करके रखा है, एक बहू करके रखा है, हो सकता है आप एक सिंगल मदर हैं, एक विधवा हैं, कुछ भी हो, आपका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके चरित्र को देखकर लोग यीशु मसीह को देखना चाहिए। आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में पहनना है। हम बहनों की एक छोटी सी कमजोरी यह है, छोटी छोटी बात पर हम दुखी हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, फिर हम बातें करना बंद कर देते हैं, फिर हम लोग मूड ऑफ होकर बैठ जाते हैं। लेकिन देबोरा के जीवन से हम सीखेंगे कि हम लोग छोटी छोटी बातों पर या बड़ी बड़ी बातों पर भी नाराज नहीं होंगे, लेकिन परिपक्वता के साथ, मैच्योरिटी के साथ, परमेश्वर ने जिस जगह पर हमें रखा है, हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन को हम बिताएंगे। जब देबोरा के चरित्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये भी सोचने वाली बात है कि देबोरा एक बुद्धिमान स्त्री होगी, इसलिए वो सही गलत का पहचान कर पा रही है यहाँ पर। प्रियो, हमें भी बुद्धिमान रहना बहुत जरूरी है, और वचन में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है या बुद्धि का मूल है। अगर आपको इस प्रकार लगता है कि मेरे जीवन में बुद्धि की कमी है, तो हमें परमेश्वर के पास जाना है। याकूब के पत्री में इस प्रकार लिखा है, जिनको बुद्धि की कमी है वो प्रभु से मांगे, जो उदारता से उनको देता है बिना कोई उल्लाना के, बिना कोई हिचकिचाट के। परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, लेकिन कब देगा? जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होगा। तो प्रियो, हम लोग भी एक अच्छा स्वभाव वाले लोग होने पाए। फिर हम देख सकते हैं कि देबोरा परमेश्वर की बात को सुनती है, और वो बात यह है कि बाराक को बुलाना है, जो इज़राइल का एक पुरुष है, और उनसे कहना है कि इज़राइल के लोगों को इकट्ठा करो और युद्ध के लिए याबीन के खिलाफ, या सिसरा जो कमांडर है उसके खिलाफ आपको जाना है। और जैसे ये बात देबोरा बाराक से कहती है, तो हम जानते हैं बाराक कहता है कि यदि देबोरा तू मेरे साथ चलेगी तब मैं युद्ध में जाऊंगा, नहीं तो मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। देबोरा का क्या प्रतिक्रिया है? देबोरा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देखिए, देबोरा के जीवन में एक अगला गुण को हम सीख सकते हैं। देबोरा ने बाराक की कमी को देखकर उसको तुच्छ नहीं समझा, उसकी बेइज्जती नहीं की। देबोरा चाहती तो इस प्रकार कह सकती है, या उसकी निंदा कर सकती है, और कहते, तुम तो एक पुरुष है, तुम्हें एक स्त्री की जरूरत क्या है, तुम अकेले नहीं जा सकते हो। इस प्रकार की बातें कहकर, एक टॉन्ट मारकर बाराक को नीचे गिरा सकती है। कितनी सुंदर बात है कि देबोरा जो है बाराक को सपोर्ट करती है। प्रियो, परमेश्वर ने जो परिवार में हमें रखा है, हमें याद रखना है, परिवार में हर एक के अंदर कमियां होता है, लेकिन उस कमियों को लेकर हमें चर्चा कर कर एक दूसरे को नीचे गिराना या तुच्छ दिखाना नहीं है, लेकिन हमें एक दूसरे को बढ़ावा देना है।
अगर हम लोग पत्नी हैं तो हमारे पतियों को हम सपोर्ट करेंगे, उनकी कमियों को उठाकर हम उनको दिखाएंगे नहीं, लेकिन उनकी कमियों की भरपाई हम कैसे करेंगे, उनको हम आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, हमारे बच्चों के साथ हमारे बच्चों को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, हमारे शब्दों के द्वारा हम बच्चों को उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस से या उनके लेवल से उनको गिराना नहीं है, लेकिन हमारी बातों से वो लोग और उत्साहित होना है और एनकरेज होना है और प्रभु में आगे बढ़ना है। चाहे हम पत्नी हो या पति हो या घर में कोई भी सदस्य हो, याद रखिए एक दूसरे को हमें बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आप अपने परिवार में हो या कलीसिया रूपी परिवार में हो, जहाँ कहीं आप हो, आपकी जिम्मेदारी ये है कि दूसरों की कमियों को देखकर, उसके ऊपर चर्चा कर उसको उसके ऊपर हंस कर उसको नीचा करना नहीं है, लेकिन देबोरा समान उनके कमियों को देखकर उनको प्रोत्साहित कर उनके साथ अगर आपको जाना है तो साथ जाकर उनको बढ़ने में आप हेल्प करें, आप मदद करें। पांचवी बात जो देबोरा के जीवन से हम सीख सकते हैं वो ये है, जब बाराक देबोरा से कहता है तुम मेरे साथ चलो, तब देबोरा एकदम तैयार रहती है, वो बिल्कुल भी मना नहीं करती है। देखिए वो एक न्यायाधीश है, उनके पास बहुत सारे लोग एक दिन में आते हैं, साथ में वो एक पत्नी है, मतलब उसको एक घर की पूरी जिम्मेदारी है। इन सारे कामों के बावजूद जब बाराक कहता है तुम मेरे साथ चलो, तब देबोरा बिल्कुल तैयार है। देबोरा के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है, कोई कारण नहीं है ये बताने के लिए कि नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ। चाहे तो देबोरा बोल सकती है कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास काम है, तुम अकेले चले जाओ। यहाँ पर देबोरा के जीवन से हम सीख सकते हैं कि देबोरा तैयार थी। वो क्यों तैयार थी? क्योंकि उसने समझ लिया कि परमेश्वर चाहता है कि ये युद्ध हो और इसराइलियों को विजय मिले। देबोरा परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में हमेशा तैयार थी। प्रियो, हमारे जीवन में भी हम बहुत व्यस्त होंगे, हमारा परिवार होगा, हमारा ड्यूटी का जगह होगा, अन्य साइड बिजनेस होंगे, पार्ट टाइम जॉब होगा, सब कुछ होगा, लेकिन याद रखिए इन सारे कामों के ऊपर ये बात है कि परमेश्वर की इच्छा को आपको पूरा करना है, इसलिए आपको समय निकालना है और परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है समझ कर उसको पूरा करना है। छठवीं बात देबोरा के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, जब देबोरा उस युद्ध के लिए जाने तैयार थी और वो चली भी गई, हम उनके जीवन से ये देख सकते हैं कि वो एकदम अपने आप को फिट रखा। देखिए एक युद्ध में जाने के लिए शारीरिक रीति से भी फिट होना है और मानसिक रीति से भी बहुत स्ट्रांग होना है, बलवंत होना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कहता है कि हमें युद्ध में जाना है तो उस दिन वो बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर सकता है कि कैसे घोड़े पे बैठना है, कैसे तलवार चलाना, ये सारी बातों को एक दिन में सीखा नहीं जा सकता है। मतलब देबोरा ने पहले से ही इसका प्रशिक्षण लिया होगा। देबोरा अपने आप को फिजिकली मतलब शारीरिक रीति से फिट रखा। इतना ही नहीं, देबोरा मानसिक रूप से भी फिट थी। देखिए एक युद्ध में जाना, लड़ाई करना बिल्कुल आसान नहीं है, हम जानते हैं। बहुत से लोगों के बारे में हम लोग इस प्रकार सुनते हैं, वो थोड़ा सा भी खून देखते हैं तो उनको चक्कर आता है, वो लोग बेहोश हो जाते हैं, तो वो मतलब एक आसान काम नहीं है। लेकिन देबोरा के जीवन से हमने क्या सीखा, शारीरिक रीति से मानसिक रीति से देबोरा एक स्ट्रांग बहन थी। प्रिय भाइयों और बहनों, देबोरा के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक उम्र के बाद हम लोग अपना लाइफ का ख्याल नहीं रखते हैं, फिर अपने शरीर में हम लोग कमजोरियों को महसूस करने लगते हैं, हमें शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द या एक एक बीमारियां हमारे शरीर में आने लगता है। वो क्यों है? क्योंकि हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं। जिस प्रकार एक्सरसाइज करना है, जिस प्रकार के खाना खाना है, हम उस विषय पर ध्यान नहीं रखते हैं। पहला कुरिंथियों में इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? प्रियो, हमारे शरीर में परमेश्वर वास करता है, तो जितना हम अपने आत्मिक जीवन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं उतना ही जरूरी है कि अपने शरीर को भी हम बलवंत करें। और साथ में हम लोग मानसिक रीति से भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमने एक बुरा खबर को सुना तो तुरंत वहां पर हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, वो दिखाता है कि हम लोग स्ट्रांग है या नहीं।
अगर हमने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर हर एक बात पर नियंत्रण को रखता है, तो हम लोग बहुत दुखी होकर हताश होकर नहीं बैठेंगे। हम लोग विश्वास करेंगे कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो हमारे भलाई के लिए परमेश्वर उसको करेगा, उसको बदलेगा। तो याद रखिए भाई बहनों कि फिजिकली, मेंटली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमें स्ट्रॉन्ग, हमें बलवंत रहना बहुत जरूरी है। सातवीं बात जो हम देबोरा के जीवन से हम देख सकते हैं वो ये है, उन लोगों ने युद्ध किया, युद्ध समाप्त हुआ, परमेश्वर ने जय इसराइलियों को दिया, उसके बाद देबोरा और बाराक एक गीत को गाते हैं। अब तक हमने देबोरा के जीवन के बारे में ये सीखा कि देबोरा एक नबिया थी, देबोरा एक जज थी, और अब हम लोग ये भी सीख रहे हैं कि देबोरा गाना लिख सकती हैं, गाना गा भी सकती हैं। जब परमेश्वर ने जो काम देबोरा के हाथ में दिया उसको विश्वास योग्यता के साथ देबोरा ने किया, तब परमेश्वर देबोरा के जीवन में और भी वरदानों को देता है। सिर्फ नबिया और जज होकर वो नहीं रहती है, अब वो एक वर्शिप लीडर या गाना गाने वाली बन जाती है। देखिए कितनी अच्छी बात है, सुंदर बात है। परमेश्वर ने जहां कहीं हमें रखा है, जो कुछ काम प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है, उसको ईमानदारी के साथ अगर हम करेंगे, परमेश्वर और वरदानों से हमें भरता जाएगा। ये देबोरा के जीवन में हम देख सकते हैं। साथ में उस गीत में देबोरा अपने आप के बारे में क्या कहती है, 5:7 में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, देबोरा अपने आप को कहती है कि मैं इज़राइल की माँ हूँ। देखिए देबोरा इज़राइल को कैसे देखती है, देबोरा कहती है मैं माँ हूँ। माँ वो होती हैं जो बच्चों का ख्याल रखती हैं, उनका परवरिश करती है, उनको खाना समय पर देती है, उनको सही मार्ग पे चलाती है, उनको बहुत प्यार देती है, गलत मार्ग से उनको सुधारती है। वही रोल देबोरा अपने जीवन को देखती है इज़राइल के संबंध में। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जैसे आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको पिता या माता के रोल में रखेगा, जहां पर आपको और भी नए भाई बहनों को परमेश्वर में बढ़ाना होगा, उनका ख्याल रखना होगा। इसलिए जरूरी है आत्मिक जीवन में आप परिपक्व बन जाए। आप अगर आज 10 साल हुए, 15 साल हुए हैं, और अगर आप अभी भी कहते हो कि मुझे वचन सही से नहीं मालूम, तो अपना लाइफ को चेंज करना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि आप वचन को अच्छे से पढ़े, अपने जीवन में वो अपनाएं और एक परिपक्व जीवन को जिए, तब परमेश्वर आपको एक आत्मिक माता या एक आत्मिक पिता के रोल में रखेगा, जहां पर और बहुत से लोगों को वचन को सिखा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। आठवीं बात, हम जानते हैं देबोरा एक नबिया थी। नबिया मतलब जो परमेश्वर से सुनती हैं। कौन है जो परमेश्वर से सुन सकता है? प्रियो, क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो? परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हो? तो आपको बस एक काम करना है कि परमेश्वर के सामने बैठने का एक आदत को बनाइए। जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वो लोग परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप समय निकालें। कितना भी व्यस्त आपका जीवन हो, प्रिय भाई बहनों, समय निकालिए प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए, अपनी बात परमेश्वर से कहने, परमेश्वर की बात आप सुनने, और एक बहुत घनिष्ठ रिश्ते में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है। तब परमेश्वर अपने दिल की बातों को हमसे बताएगा और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण आप बन सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, याद रखिए परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और हमेशा इस इंतजार में है कि परमेश्वर अपने दिल की बातों को हमसे बताए। लेकिन दुख की बात है कि हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो गए हैं और जो सबसे बड़ा आशीष है कि हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, उसी को हम खो बैठते हैं। तो आज से अपने लाइफ को हम चेंज करेंगे और सबसे पहला स्थान परमेश्वर को हम देंगे। आखिरी बात देबोरा के जीवन से हम सीख सकते हैं, देबोरा प्रभु के प्रति इतना समर्पित था, इज़राइल के लोगों के प्रति इतना समर्पित था, उसका नतीजा क्या हुआ? 5 अध्याय के लास्ट लाइन में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, फिर देश में 40 साल तक शांति रहा। वो इज़राइल के लोग जो 20 साल तक दुश्मन के हाथ में परेशान हो रहे थे, अब देबोरा परमेश्वर की एक दासी खड़ी हुई, तब परमेश्वर ने देबोरा के द्वारा इज़राइल को 40 साल की शांति दी।
प्रिय भाई बहनों, आज भी परमेश्वर इस खोज में है, क्या मैं देबोराओं को अलग अलग जगह से खड़ा कर सकता हूँ। परमेश्वर आपको देखता है और ये सोचता है, क्या देबोरा के समान ये बेटा और ये बेटी मेरे लिए खड़ा रहेगा, मेरे मार्ग में चलेगा, प्रभु के लोगों से उतना ही प्यार करेगा जितना देबोरा ने इसराइलियों से किया। परमेश्वर आज आपके लाइफ को देख रहा है और अगर आप इस विषय के लिए रेडी है तो प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप अपने लाइफ को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करोगे? तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए और परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे।